शिवरात्रि के इस पावन पर्व का एक छोटी सी झलक अब देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी देखने को मिल रही है, जहां देवभूमि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और उसकी राजधानी देहरादून में आज शिवरात्रि का यह पर्व बेहद धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और यहां पर इस वक्त मेरे साथ यहां पर मैं एक मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर ढेर सारे भक्तजन यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित हो रखी है मंदिर में उसमें फूल दूध और प्रसाद चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ और यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है कि यहाँ के पावन पर्व जो शिवरात्रि का है उसमें लोगों की श्रद्धा, उनका विश्वास शिवजी महादेव जी के ऊपर बहुत भरपूर रूप से देखने को मिल रहा है। इसके साथ हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्तजन मौजूद हैं जिनसे आज हम की कामना के बारे में और उनकी इस आज महाशिवरात्रि को लेकर वो अपनी कामना अपनी पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आए हैं, जिनको लेकर आज हम यहाँ के भक्तजनों से हम बात करेंगे और जानेंगे आज के इस त्यौहार के बारे में और जानेंगे उनकी इस मनोकामनाओं के बारे में। तो सर आपका नाम क्या है? आपका नाम नेगी जी, आज शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप यहाँ पर आए हुए हैं और सुबह से आप किस तरह उपवास पर हैं या फिर आप कोई इस बात को लेकर आए हैं? हाँ, इस समय तो जो है उपवास में ही चल रहे हैं हम और बड़ी श्रद्धा के साथ ही आरा गर्मी मंदिर सुना था कि यहाँ के बारे में, तो हमने कहा चलो आज इस मंदिर में शिवरात्रि में जो है यहाँ इस मंदिर में दर्शन करें भोले शंकर का और जलाभिषेक कर चुके हैं मंदिर में पूरा, मतलब जो है सब बेलपत्री फूल प्रसाद सब चढ़ा दिया है और अब जो है चलने की तैयारी है बस यही है। बाकी देखिए जी, आज इस शिवरात्रि के पावन पर्व में आप आए हैं और आज के इस खास दिन पर आप भोले जी से कोई खास मन्नत मांगना है? भोले जी जो अब ऐसा है कि सारा संसार उसी के बस में है, भोले ही चलाता है। अब मन्नतें तो इंसान की बहुत होती हैं, कितनी कितनी मन्नतें मांगेगा, लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार ही जो पूरी कर सके जिस मन्नत को वही सबसे बढ़िया रहेगा। और मनोकामना हमारे तो ये है कि सभी की मनोकामना पूर्ण करें ताकि और अधिक से अधिक जो है इसका मतलब हो सके कि विश्वास बढ़े इंसान का भगवान के उस पर। तो मेरी एक जो भी मंदिर में भगवान के दरबार में आ रहा है मेरी यही कामना है कि भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हुए सफल करें। आपका नाम क्या है? शशि नेगी। शशि जी, आज के इस त्यौहार में आप यहाँ पर आई हुई हैं तो इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत सालों से व्रत दे रही हूँ और भोलेनाथ ने मेरी मनोकामना भी पूरी करी, ऐसे भगवान सबकी करे। शिवरात्रि का इस पावन पर्व के लिए जो मंदिर के प्रशासन ने जो व्यवस्था की हुई है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इससे अच्छी तरह खुश हैं या फिर इसमें कोई कमी रह गई हो? ना, कुछ कमी नहीं है, बहुत अच्छा है और हर दिन मैं आती हूँ यहाँ पे और पहले से ज़्यादा अच्छा सजा हुआ है। और जो आज शिवरात्रि के लिए आप यहाँ पर आई हुई हैं तो महादेव जी से आज कोई खास मन्नत मांगी है आपने? कुछ नहीं, मेरी तो शुरू से ही व्रत लेती हूँ और ऐसी कोई खास नहीं, वो उनकी इच्छा वो सब जानते हैं, वो जो दें वो दें। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर भक्तजनों का यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर भक्तजनों का मनोबल बढ़ा है और यहाँ पर उनकी श्रद्धा और उनका महादेव जी को लेकर उनका विश्वास कितना ज़्यादा है ये एक बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ पर हमारे साथ एक और भक्तजन मौजूद हैं जिनसे आज हम इस त्यौहार के बारे में बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम MR भट्ट है। भट्ट जी, आज इस शिवरात्रि के अवसर पर आप यहाँ मंदिर में आए हुए हैं तो इस बात को लेकर आप किस तरह क्या कहना चाहेंगे? हम चाहें कि भगवान शिव जो है हमारे सारे हिंदुस्तान को, हमारे देश को, हमारी उत्तराखंड को हमेशा कुशल मंगल रखे, अच्छा सा उन्नति प्रगति दे और सुख शांति दे और मोदी जी के राज में जो चल रहा है जैसा चल रहा है वो बहुत बढ़िया, हमारा उत्तराखंड डेवलप हो रहा है, अच्छे ढंग से चल रहा है और इसी प्रकार सबका जो है चलता रहे। और बाकी जय जय भोले शिव शंकर की जय हो। और आज ये मंदिर में जो प्रशासन की तरफ से जो इंतज़ाम किए गए हैं इस त्यौहार को लेकर उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया गया है, सब ठीक ठाक है, बढ़िया सा यहाँ पर कोई कमी नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है इनका हर चीज़ सही लग रहा है और यहाँ का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है। बिल्कुल, मंदिर के प्रशासन के लिए भी यहाँ पर बेहद अच्छी तरह से इसके इंतजाम को लेकर काफ़ी अच्छी तरह बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ के इंतज़ाम बहुत अच्छी तरह करे गए हैं। तो इसके साथ आज हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भक्तजन जो है वो धूप बत्ती चढ़ाकर प्रसाद चढ़ाकर शिवजी को अर्पित कर रहे हैं और बेहद खुशी में और बेहद कामना के साथ यहाँ पर लोग शिवजी पर अपनी आस्था और श्रद्धा अर्पण कर रहे हैं, उनके लिए अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं। तो इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं
यहाँ पे मौजूद पुजारी जी से अब हम मिलते हैं और उनसे अब हम बात करेंगे इस त्यौहार के बारे में। देहरादून में जो शिवरात्रि का एक पावन पर्व का जो आयोजन किया गया है, इसको लेकर यहाँ पर आए हुए भक्तजन भी यहाँ के प्रशासन से द्वारा किए हुए इंतजामों को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ के इंतजाम बेहद अच्छी तरह से किए गए हैं और भक्तजनों के लिए प्रॉपर एक अच्छी सुविधा मिल रही है और यहाँ पर उनको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं मिल रहा है। अब इसी त्यौहार के बारे में थोड़ा और जानने के लिए आज हमारे साथ यहाँ इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी मौजूद हैं, जिनसे आज हम इस त्यौहार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पुजारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद समाचार में। पुजारी जी, हमें इस त्यौहार के बारे में कुछ बताइए कि शिवरात्रि आखिर मुख्य रूप से किस बात को लेकर मनाया जाता है, इसका मूल उद्देश्य है क्या? देखो, शिवरात्रि वैसे तो भगवान शंकर त्रिलोकीनाथ हैं, देवों के देव महादेव हैं, मगर शिवरात्रि का अलग अलग मत है। भगवान शंकर का विवाह हुआ था और भगवान शंकर का विवाह के रूप में जो है शिवरात्रि को मनाते हैं। रात्रि भर अभिषेक चलता है और वैसे भगवान का नाम क्षणम तुष्टे क्षणम रुष्टे, क्षण भर में प्रसन्न होते हैं क्षण भर में रुष्ट होते हैं। जो भक्त एक लोटा जल का भी भगवान शंकर पर अर्पण करता है, भगवान शंकर जो है उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और उत्तराखंड में जो है वैसे भी शिव भूमि है, इसलिए जो है भगवान शंकर की पूरे ब्रह्मांड में पूरे संसार में मान्यता है। मगर भगवान शंकर जितने जल्दी दुख हरते हैं इतने और कोई देवता दुख नहीं हरते। पुजारी जी, आज के शिवरात्रि के इस पर्व के लेकर भक्तजन को किस तरह की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उन्हें किस तरह की सामग्री चाहिए और इसका मुहूर्त जो है वो किस समय इसका शुभ मुहूर्त है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, शिवरात्रि का मुहूर्त वैसे पूरे दिन पूरी रात है, शिवरात्रि जिसको कहते हैं। और शिवरात्रि में अभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन पांच चीजों से जो है भगवान शंकर का अभिषेक होता है। कोई फलों के रस से अभिषेक, कोई जो है गन्ने के रस से अभिषेक और कोई दूध से अभिषेक, जिसकी जैसी मनोकामनाएं होती है वो उस तरह का अभिषेक करता है। और भजन कीर्तन अनेक प्रकार के है, शिवमय भक्त हो जाता है आज के दिन में, शिवरात्रि के दिन में। जैसे कहते हैं कि त्योहारों के वक्त राशियों में और नक्षत्रों में जैसे कहा जाता है कि उनकी चाल में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, तो इस आज के शिवरात्रि के इस पर्व में भी क्या किसी राशि में भी कुछ इस तरह की बदलाव देखने को मिलेंगे? देखो, इस समय जो है कुंभ में सूर्य है और चंद्रमा इत्यादि है, इनका जो है अलग अलग, वैसे तो 12 राशियों के लिए जो है ये सर्वोत्तम मानी गई है। भगवान शंकर जो है एक विशेष राशि पर स्थित नहीं होते, भगवान शंकर की तो जो आराधना करता है भगवान शंकर उसको अधेय वरदान दे देते हैं। पुजारी जी, इसके साथ अभी आप जिस तरह आपकी आज सुबह से यहाँ पर भारी मात्रा में भक्तजन आपके मंदिर में यहाँ पर आए हैं, तो आगे जाकर आज ही के दिन इसके बाद कोई आगे जाकर कुछ और भी कार्यक्रम रखे जा रहे हैं आपके मंदिर में शिवरात्रि को लेकर? देखो, हमारे मंदिर में जो है शिवरात्रि का कार्यक्रम होता है, यहाँ पर हनुमान जयंती इत्यादि मुख्य कार्यक्रम होते रहते हैं। वैसे तो सोमवार के दिन जो है यहाँ हमेशा तांता लगा रहता है और आज तो मुख्यतः आज हमारा पूरी रात्रि भर अभिषेक चलेगा, पूरी रात्रि भर जो है अभिषेक होगा। आनंद समाचार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुजारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। क्या कौन सा चैनल है? आनंद समाचार। और इसके साथ यहाँ पर हमें पुजारी जी हमें यहाँ पर मिले, जिन्होंने हमें शिवरात्रि के पावन पर्व के बारे में उनकी किस तरह की रस्में, किस तरह की पूजा अर्चना को लेकर किस तरह की रस्में रखनी है, किस तरह की पूजा सामग्री रखनी है और यहाँ तक कि राशियों में और ग्रह नक्षत्रों में उनकी चाल ढाल में होने वाले बदलावों को लेकर और शुभ मुहूर्त के बारे में बहुत संक्षिप्त में जानकारी देते हुए बताया। इसके साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालुओं के आने के साथ यहाँ पर सत्संग भी हो रहा है और
भगवान को अपनी तरफ से एक श्रद्धा अर्पण करने के एक और एक बेहद मूल रूप से एक बेहद अच्छे एक अच्छा तरीका है और एक नया एकदम अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन जो मिल रहा है बहुत अपना फर्ज अदा करते हुए भक्तजनों को मिल रहा है। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव के साथ मानव डोभाल, आनंद समाचार।